Hello, my dear students. Welcome once again in my YouTube channel. I hope you are doing well. So, today we are again starting a new topic which will increase your understanding, students. So, in this video lecture, I want to tell you about types of neuron. Neurons ke types hum log types of neuron. Neurons ke hum log types ko discuss karne ja rahe hain is lecture mein. कि न्यूरॉन्स को हम लोगों ने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है और बेसिकली न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है, कहां से कहां स्टिमुलस को लेकर जाते हैं. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. अगर हम लोग बात करें तो पहला न्यूरॉन है स्टूडेंट्स सेंसरी न्यूरॉन. नाम से ही आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बायोलॉजी इतना ईजी सब्जेक्ट है. सेंसरी न्यूरॉन्स. दूसरी बात आती है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा आता है इंटर न्यूरॉन्स, या हम लोग इसको मिक्स्ड न्यूरॉन भी बोल देते हैं. सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम लोग बात करें तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो कैरी करेगा नर्व इंपल्स को फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू और रिसेप्टर टू सीएनएस. कहां से कहां स्टिमुलस को लेकर जाएगा स्टूडेंट्स, ये हम लोग देखते हैं. आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर हियर. तो ये इंपल्स को लेकर जाएगा पेरिफेरल टिश्यू से, पेरिफेरल टिश्यू से लेकर जाएगा टू सीएनएस, पेरिफेरल टिश्यू या फिर रिसेप्टर से सीएनएस में लेकर जाएगा. एंड दे कैरी स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस. ये स्टिमुलस को रिसेप्टर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, से सीएनएस में लेकर जाएगा. और आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लो तो बेटर होगा. यहाँ पे आप लिखोगे नर्व इम्पल्सिस. क्या लेकर जाता है? नर्व इम्पल्सिस रिसेप्टर से सीएनएस. सीएनएस के बारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी. दूसरी बात हम लोग स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये हमारे जो नर्व इम्पल्स हैं इनको कहाँ से कहाँ लेकर जाने वाली हैं, ये बात हम लोग देखने जा रहे हैं. तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ये इम्पल्सिस को सीएनएस से जस्ट अपोजिट काम करेंगी, रिसेप्टर्स या फिर पेरीफेरल टिश्यूज तक लेकर जाएंगे. पेरीफेरल टिश्यूज या कह सकते हैं ऑर्गेन या फिर हम लोग इफेक्टर बोल सकते हैं. सीएनएस से इफेक्टर तक लेकर जाएंगी, रिसेप्टर से सीएनएस तक लेकर आई सेंसरी, इस सीएनएस से वापस इफेक्टर सेल्स में लेकर जाएंगी मोटर न्यूरॉन्स. तीसरी बात हम लोग करते हैं इंटर न्यूरॉन्स का. इसको हम लोग एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. एसोसिएशन न्यूरॉन्स या फिर हम लोग मिक्स्ड भी बोल देते हैं इसको. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, दे आर प्रेजेंट विद इन द सीएनएस. ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? विद इन द सीएनएस, प्रेजेंट विद इन द सीएनएस. एंड मेक लिंक्स बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन. इन दोनों के बीच में लिंक का काम करेंगी मिक्स्ड न्यूरॉन, आप ऐसे समझ सकते हैं. एक लिंक बनाएंगी, कौन? एसोसिएशन न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन्स, इनको हम लोग बोलते हैं. दूसरी हम लोग बात करें तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में कुछ डिफरेंसेस की, तो आपको पहला डिफरेंस पता है कि ये ऑर्गन्स, या आप यहाँ पे ऑर्गन भी लिख सकते हो, रिसेप्टर भी हो सकता है और ऑर्गन्स. तो ये ऑर्गन से सीएनएस तक लेकर जाएगा नर्व इम्पल्स को, मोटर लेकर जाएगा सीएनएस से ऑर्गन्स तक, इफेक्टर में ऑर्गन्स भी आ जाएंगे. ये सेंसरी इम्पल्स को रिसेप्टर से सीएनएस लेकर जा रहा है और ये सीएनएस से इफेक्टर लेकर जा रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको न्यूरॉन डिस्कस करा ही हुआ है ऑलरेडी. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा होगा स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि आपको हमारे जो वीडियोस हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं एंड आई विल हेल्प यू.
ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप वी विल मीट सून, टेक केयर ऑल ऑफ यू.